जिन्होंने पानी की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय ढूंढे। सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका। हेलो अमेरिका। हेलो, वी इन्वेंटेड डिफरेंट टेक्नोलॉजी। हमने ऐसा कपड़ा बनाया है जिसे पहनते ही धोने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ना कपड़े धोना ना पानी का वेस्टेज। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। अब हम चलते हैं चाइना। चिंगचोंग 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 चिंग चिंगचोंग टू चाइना। हमने बनाया है एक बूंद पानी जिसको पीते ही 4 महीने के लिए आपकी प्यास गायब। और 4 महीने बाद मैं गायब। दोस्तों अब हम चलते हैं रशिया। इस्त्री विस्त्री क्या करी। हमने बनाया है एक बम। बम हाँ, डरिए नहीं डरिए नहीं। वाटर बम, वाटर बम। इसको खेत में फेंक दो, पूरा का पूरा खेत पानी से भर जाएगा। इस्त्री विस्त्री क्या करी। राष्ट्रपति शुभ रात्रि। दोस्तों अब हम चलते हैं भारत और देखते हैं अभी पानी की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। पानी वाले बाबा की जय। पानी वाले बाबा की जय। बाबा 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 मेरी प्यास से बचाओ बाबा। बेटा 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 जरा इधर तो आओ बेटा। बाबा बाबा मैं बहुत प्यासा हूँ बाबा, मेरी प्यास बुझाओ ना बाबा। बुझाता हूँ तुम्हारी प्यास बुझाता हूँ। पानी पानी सुनिए ना बाबा, क्या मैं इसकी प्यास बुझाऊँ। नहीं ना बाबा, मैं बाबा मैं बाबा मैं बाबा मैं ना सुने ना दोनों कमाल है ना। देखा ना बाबा आपने, हमारी प्यास करने के बाद भी हमारे कुएं से पानी ही नहीं निकलता। कोई उपाय बताए ना बाबा, कोई रास्ता बताए ना बाबा। सब्र रखो बेटी, सब्र रखो। सब्र का पानी मीठा होता है। नहीं ना बाबा, अभी होगा बाबा, अभी होगा बाबा, अभी अभी अभी। अच्छा तो चल बाबा। दर्शकों वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मैं यू गया और यू आया। तू नहीं थकी? नहीं, मेरी सेहत का राज है एक्वा पीना। अगर जिंदगी में हो जीना तो रोज एक्वा पीना। अब 1 लीटर की बोतल सिर्फ 4,000 रुपए में और 400 रुपए के सस्ते पैक में भी उपलब्ध। बोलो बेटा, आपने हमारे फ्यूचर के लिए क्या किया है पापा? किया है ना बेटा, मैंने लिया है वाटर इंश्योरेंस का 2 लीटर वाला प्लान। इसमें हमें हर महीने 2 चम्मच पानी डिपॉजिट करना पड़ता है और 2 साल बाद हमें मिलता है पूरे 2 लीटर पानी। दर्शकों अब तक आपने जो देखा ये तो थी सारी मजाक की बातें, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। वक्त रहते यदि हम नहीं सुधरे तो भविष्य में अवश्य ये हमें तस्वीरें देखने मिल सकती। संभालो ये दुनिया।